वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त पर जलसा गाह ना पहुंच सके, मगर रास्ते में कालाशाह काकू के करीब वो क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त पर जलसा गाह तो नहीं पहुंच पाए, मगर रास्ते में कालाशाह काकू के करीब उनकी जो वो कुछ क्यों क्या कुछ करते रहे हैं वो आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त पर जलसा गाह नहीं पहुंच सके, लेकिन ये जो मनाजिर हैं ये मनाजिर हैं कालाशाह काकू के करीब के। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, ये मनाजिर भी हम अपनी दुनिया ने उसकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाजरीन को। देखें, ये वो वीडियो है जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कालाशाह काकू के करीब जब पहुंचे तो वहां पर जो है कुछ अपने एहलकारों के साथ बाहर निकले और सिक्योरिटी एहलकारों से सरकारी एहलकार की राइफल लेकर उसका बट जो है वहां पर कंटेनर के शीशे से मारते रहे और कंटेनर के शीशे तोड़ते रहे और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार उनको रोकते रहे और इस सिक्योरिटी एहलकार भी खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक रखते हैं और ये वही अफराद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल प्रोटोकॉल से अली अमीन गंडापुर इस जलसे के लिए आ रहे थे, लेकिन वहां पर जब इन्होंने देखा कुछ कारकुन वहां पर खड़े थे और फिर अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पर उतरे और गुस्से से इन्होंने अपने जो अपने साथ उनका सिक्योरिटी एहलकार मौजूद था उनकी राइफल ली और उसके बाद से वहां पर कंटेनर को मारते रहे, कंटेनर के शीशे तोड़े और इस पर जो है वहां पर जो उनके एहलकार मौजूद थे वो उनको रोकते भी रहे और ये भी कहते रहे कि इस पर जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये देखने को मिला, एक तो पहले जो सितंबर 8 सितंबर को जो जलसा हुआ वहां पर सख्त बयानबाजी की गई, जो है वो धमकियां दी गई और उसके बाद आज जब यहां पर पहुंच रहे थे तो इन बजाय ये माफी मांगने की अपनी माजी की गलतियों के आज उन्होंने जो सरकारी एहलकार की राइफल देखकर उसका बट जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।